दोस्तों, नीम और टर्मरिक यानी कि नीम और हल्दी, लेकिन कौन सी हल्दी दोस्तों? जो कच्ची हल्दी मार्केट में मिलती है, एक पाउडर वाली मिलती है, वो नहीं दोस्तों। जो कच्ची हल्दी होती है और जो ताज़े नीम के पत्ते होते हैं, उसको अगर आप शहद के साथ, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में शहद का प्रयोग करके, हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट एक गिलास पानी में मिला करके प्रयोग करते हैं, उसके आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी आयुर्वेद की किताब चरक संहिता और अष्टांग हृदयम के माध्यम से इतने बेहतरीन, इतने गजब के, इतने जबरदस्त फायदे बताने वाला हूं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को अच्छे से लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हमने चैनल पर किसी भी बीमारी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत एक सेकंड के भीतर आपके फोन में मिल जाए। दोस्तों, अगर आपकी या फिर आपके घर में किसी की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, बीमार बहुत ज्यादा पड़ते हैं, बुढ़ापे में दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होती है, शक्ति ताकत चुस्ती फुर्ती और सफुर्ती बॉडी के अंदर नहीं रहती, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, कारण कोई सा भी हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस होने के कारण, खाना पीना सही ना होने के कारण, या फिर जेनेटिकली किसी भी कारण से अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, खून की कमी हो गई है, प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो गई है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कौन कौन से 12 गजब के बेहतरीन आपके शरीर को फायदे होते हैं, आपको फायदे होते हैं अगर आप सुबह खाली पेट उठ करके ही तुरंत हल्के गुनगुने पानी के बीच में बहुत ही कम मात्रा में शहद, साथ में दोस्तों एक चुटकी यानी कि आधे ग्राम की मात्रा में दोस्तों नीम की पत्ती का जो चटनी होती है वो मिलाते हैं, और साथ में टर्मरिक यानी कि हल्दी मिलाते हैं और साथ में सेवन करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले फायदे के बारे में, बेनिफिट के बारे में अगर हम बात करें, तो ये पूरी बॉडी को दोस्तों सेल्स के साथ में पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करता है। देखिए दोस्तों, एक जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है वो ऊपरी होती है यानी कि हमारे शरीर भारी शरीर की होती है, एक सेल्यूलर लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन होती है यानी कि सेल्स की डिटॉक्सिफिकेशन। दोस्तों ये पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, साथ में दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करता है, इसका पहला बेनिफिट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में नीम का प्रयोग कृपया करके ना करें। हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में कहा गया है कि नीम की मात्रा एक दिन में आधे ग्राम से अधिक या फिर एक नीम की पत्ती से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप ज़्यादा मात्रा में नीम की पत्तियों का या फिर नीम का प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं जो कि संतान उत्पत्ति में यानी कि बच्चा पैदा करने में सहायता करते हैं, जो अणु होते हैं दोस्तों, उनको ये नष्ट करता है नीम अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। इसीलिए आधे ग्राम की ही मात्रा में प्रयोग करें अगर आप अपने शरीर को बहुत ही भयंकर, बहुत ही गजब की ताकत प्रदान करना चाहते हैं। दोस्तों अगर हम दूसरे बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में बात करें, तो अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा कमजोर रहती है, दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कमजोर है? थोड़ा सा मौसम चेंज होने के कारण अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं, वायरल इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी पकड़ता है, कफ बहुत ही जल्दी पकड़ती है, इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। तो दोस्तों अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है तो आप अगर हल्दी का और नीम की पत्तियों का हल्के गुनगुने पानी के साथ बीच में हल्का सा यानी कि बहुत ही कम, आधे से भी कम चम्मच की मात्रा में शहद मिला करके प्रयोग करते हैं तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन जिनकी बहुत ही ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो चुके हैं यानी कि हद से ज्यादा जिनकी इम्यूनिटी डाउन रहती है, आपको पता है आजकल एक महामारी भी चल रही है, वायरस भी चल रहा है, जिसमें अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो दोस्तों आपको भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है वायरस। तो दोस्तों जिनकी इम्यूनिटी हद से ज़्यादा कमज़ोर रहती है वो नीम का और साथ में हल्दी का तो प्रयोग करें ही करें, लेकिन दोस्तों आपको ये जो स्क्रीन में
एनवेदा का इम्यूनिटी बूस्ट दिख रहा है दोस्तों, ये इतना गजब का, इतना बेहतरीन है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। शुद्ध जड़ी बूटियों से, हिमालयन जो जड़ी बूटियां होती हैं जो कि पहाड़ों पे पाई जाती हैं जड़ी बूटियां हर्ब्स दोस्तों, उससे ये एनवेदा का बूस्ट, इम्यूनिटी बूस्ट निर्मित किया गया है। इसके बीच में दोस्तों पपाया का लीफ का जो एक्सट्रैक्ट होता है, पपीते के जो लीफ होते हैं, आप जानते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग पहले जमाने से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसके बीच में उनका इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसके बीच में बेजल लीव्स का एक्सट्रैक्ट यानी कि जो तुलसी के पत्ते होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया गया है। पुनर्नवा भी इसके बीच में डाला गया जो कि बहुत ही गजब की इम्यूनिटी आपके बॉडी में प्रदान करता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन को दोस्तों 8 जिनका बहुत ही कम रहता है, 7-7 रहता है, 8-8 रहता है, उसको दोस्तों 13-14-15-16 तक पहुंचाने में मदद करता है पुनर्नवा जो होता है। और गिलोय के बारे में तो आप जानते हैं जो कि इसके बीच में मिलाया गया, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर होता है। इसके अलावा इसके बीच में फेनेग्रिक सीड यानी कि दोस्तों मेथी के दाने, पोमेग्रेनेट यानी कि अनार का एक्सट्रैक्ट हो गया, और जो दोस्तों बकरी का दूध होता है उसका पाउडर भी इसके बीच में मिलाया गया, क्योंकि दोस्तों जो बकरी का दूध होता है वो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी आपके शरीर में देने में मदद करता है, यानी कि गाय के दूध से भी ज़्यादा, इसके अलावा भैंस के दूध से भी ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिसके दूध का प्रयोग किया जाता है वो होता है दोस्तों बकरी का दूध। इसके अलावा दोस्तों इसके बीच में करक्यूमिन भी डाला जाता है जो कि हल्दी के बीच में पाया जाता है, एक सब्सटेंस होता है जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मदद करता है। तो ये सब चीज़ें इसके बीच में मिलाई गई हैं। तो दोस्तों ये जो आप एनवेदा का इम्यूनिटी बूस्ट है जो कि आपको 350 रुपये में मिल जाएगा, इसको आप ज़रूर बाय करें जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहती है। दोस्तों एनवेदा का इम्यूनिटी बूस्ट घर बैठे बैठे मंगवाने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी कि आप नीचे देखेंगे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां पे आपको एनवेदा का वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से अगर आप बाय करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। ऐसे आपको 350 रुपये का मिलता है, लेकिन अगर आप इनके वेबसाइट से बाय करेंगे तो वहां पे 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ में फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। इसको लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जा करके जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है जरूर जा करके दोस्तों इसको खरीदें। इसके अलावा दोस्तों नीम और हल्दी अगर आप माइल्डली लेस्ड यानी कि हनी के वाटर के साथ में, शहद के साथ में प्रयोग करते हैं, इसके अगले बेनिफिट के बारे में, इसके अगले ज़बरदस्त फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों आपकी लीवर की, आपकी किडनीज की डिटॉक्सिफिकेशन करने में, पूरी सफाई करने के लिए दोस्तों बहुत ही गजब के तरीके से आपके शरीर में काम करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी गांठ रहती है या फिर कैंसरस सेल्स अगर आपके बॉडी के अंदर पैदा होते हैं बहुत ही अधिक फर्स्ट स्टेज में, अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या रहती है उसको भी ये सही करने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही गजब तरीके से मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों नीम और हल्दी का अगर हम अगले बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों चेहरे पे सुंदरता लाने के लिए, निखार लाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है, चेहरे पे ग्लो देता है, ये चमक देता है, ओज तेज देता है। इसके अलावा जिनके चेहरों पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उम्र से पहले बुढ़ापा चेहरे पे दिखाई देता है, इसके अलावा काले दाग धब्बे पड़ गए हैं, आँखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, इस प्रकार की सभी समस्याओं में दोस्तों आपको नीम और साथ में टर्मरिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम नीम और हल्दी का एक साथ सेवन करने का, हल्के गुनगुने पानी के साथ बेड बेनिफिट के बारे में, फ़ायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों ये हार्ट के लिए यानी कि आपके दिल को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। सुबह उठ करके खाली पेट अगर आप नीम का और हल्दी का प्रयोग करते हैं तो ये हार्ट को मजबूत करेगा। इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको कोई भी पेन रहता है, हल्का सा हार्ट में दर्द होता है तो 2 गिलास पानी पीना, हल्का गुनगुना पानी पीना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऊपर से हल्दी और नीम को भी खाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों ये आँखों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है, और आपको अगर उम्र से पहले बुढ़ापा आ गया है, देखिए उम्र से पहले आपको बुढ़ापा क्यों आता है, क्योंकि सेल्स की जो डीजनरेशन होती है बहुत ही फास्ट होने लग जाती है आपकी बॉडी में, तो सेल्स की डीजनरेशन यानी कि डिकेइंग को स्लो डाउन करने के लिए एंटी एजिंग बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये उम्र से पहले यानी कि 40 से 45 साल से पहले आपको शरीर में ये बुढ़ापा नहीं आने देगा। इसके अलावा अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी बड़े बुजुर्ग को घुटनों में, जोड़ों में, हाथों पैरों में दर्द होने की समस्या, कमर में, पीठ में दर्द होने की समस्या रहती है दोस्तों, गठिया की, अर्थराइटिस की किसी को प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी बहुत ही गजब का होता है नीम और हल्दी का सुबह खाली पेट प्रयोग करना। दोस्तों बीच में अगर आप चाहें तो सर्दी के मौसम में थोड़ी सी
काली मिर्च भी मिला करके प्रयोग कर सकते हैं, जिनको सर्दी बहुत ही अधिक लगती है और जोड़ों में घुटनों में जिनके दर्द होता है। क्योंकि दोस्तों जिनके जोड़ों में घुटनों में दर्द होता है उनके शरीर में गर्मी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये एक सर्दी के मौसम में गर्मी देने में मदद करता है, जोड़ों के घुटनों के दर्द को भी ठीक करने में मदद करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज आपको नीम और साथ में हल्दी यानी कि नीम और टर्मरिक की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अन्य किसी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि क्या पता किसी की मदद हो जाए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।